लाहौर में 100 तोले सोने की डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिफेंस फेस 6 में दो डाकुओं की खातून से डकैती की वारदात। डिफेंसी पुलिस ने मोहम्मद जारोन की मुदैयत में मुकदमा दर्ज किया है। खातून और उसका खावन बैंक लॉकर से सोना निकलवा कर घर जा रहे थे, ये मतन है, और 100 तोले से जायद सोना डाकू ने लूट लिया। FIR का ये मतन है। तो आपको बताएं कि वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर में 100 तोले सोने की डकैती हुई थी, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है। डिफेंस 6 में दो डाकुओं की खातून से डकैती की वारदात की। डिफेंसी पुलिस ने मोहम्मद जारून की मुदैयत में यह मुकदमा दर्ज किया है। मतन ये है कि खातून और उसका खावन बैंक लॉकर से सोना निकलवाकर घर जा रहे थे, 100 तोले से ज्यादा सोना डाकुओं ने लूट लिया। जी हाँ, इस हवाले से FIR भी दर्ज कर ली गई है। और लाहौर में 100 तोले सोने की ये डकैती है, जिसके हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है। डिफेंस फेस 6 में दो डाकुओं की खातून से डकैती की वारदात हुई और डिफेंसी पुलिस ने मोहम्मद जारून की मुदैयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून और इसका खावन बैंक लॉकर से सोना निकलवा कर घर जा रहे थे, 100 तोले सोने से जायद सोना है जो कि डाकुओं ने लूट लिया है। FIR का ये मतन है। ये गाड़ी उस तरफ से आई है और यूँ गेट के ऊपर खड़ी है ना, तो वो मोटरसाइकिल वाले दो जो नौजवान हैं पीछे से आ रहे थे, सर पीछे से जो आ रहे थे, तो इन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी है, तो एक बंदा पीछे से उतर के उनकी तरफ चला गया। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मुलाजिम है। उन्होंने गेट खोला उसने लड़के ने, एक ने बैग को यू टर्न पीछे काट लिया, मुँह पीछे फेर लिया जो मोटरसाइकिल चला रहा था। तो वो लड़का जो है सर, वो फिर मोटरसाइकिल पर बैठा और यूं निकल गया। एक फिर वे साहब निकले, फिर वो वहाँ से बाजी निकले, तो एक उनका रिश्तेदार इधर उनके इंतज़ार में खड़ा था कोई पहले से ही, वो निकल आया गाड़ी में से, वो इधर ही खड़ा था सर, तो वो यूं निकला।